चलिए दोस्तों, आज ले आए आपको अपने चैनल पे भैया इंडिया का सबसे नंबर वन चैनल जो कि ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हैं और सिर्फ एक महीने के अंदर भैया अपने चैनल पर 2.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हो ना, परेशान रहते हो भैया कैसे बनाना कैसे नहीं बनाना, तो हमने कहा चलो भैया इंडिया का जो सबसे बड़ा चैनल है जिसने सबसे तेजी से अपना ग्रीन स्क्रीन चैनल ग्रो किया प्लस यूट्यूब चैनल से पैसा कमा रहा है तबाही लेवल पर, ठीक है, तो हमने कहा चलो इन्हीं का भैया इंटरव्यू लेते हैं और डायरेक्ट जो भी कुछ ये अपने चैनल पे कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने चैनल ग्रो किया, जिस तरीके से इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया, इनके चैनल पे कोई रियूज कंटेंट भी नहीं आया, सारी चीजें आज भैया खुल के बताएंगे। तो भैया का इंट्रोडक्शन लेते हैं। नमस्कार भैया, अपना नाम बताइए, अपने चैनल का नाम बताइए, कहाँ रहते हैं ये बताइए। सर मेरा नाम गोलू राज है और मैं झारखंड के छोटे से गाँव से एक गोड्डा जिले से बिलोंग करता हूँ और ये आप लोगों का मोटिवेशन ही है सर कि हम जैसे छोटे छोटे लोग भी आप लोगों को इंटरव्यू आज दे रहे हैं। अरे भैया छोटे थोड़े हैं, आप 2.5 लाख सब्सक्राइबर अपने चैनल पे कर लिया है, अब भैया 71 मिलियन व्यूज ला रहे हो लास्ट 28 डेज में, तो कोई मजाक थोड़ा ही है। सीक्रेट आज पूरा जानेंगे कि कैसे आपने ये सब किया है। ठीक है, आपने इस चैनल को कब ओपन किया था, मतलब कब आपने चैनल बनाया था? सर मैंने ये चैनल अभी कुछ 1.5 महीने पहले बनाया था जी, और उसमें पहले मैं कोलैबोरेशन का वीडियो बनाता था जो ग्रीन स्क्रीन में एक और फीचर दिया है रिमिक्स में सर, तो उसपे ज्यादा व्यूज आए नहीं, तो मैंने फिर ग्रीन स्क्रीन पे ट्राई किया, तो सच बताऊं सर तो ग्रीन स्क्रीन यूट्यूब हम लोगों को एक ऐसा मौका दिया है, जो ग्रीन स्क्रीन बनाता है उसको एक ऐसा मौका दिया है सर कि वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकता है यूट्यूब पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया। सर मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते गया और ज्यादा नहीं सर, मैं कुछ 5 दिन वीडियो डाला ग्रीन स्क्रीन का और प्रॉपर टाइमिंग प्रॉपर तरीके से डाला, तो सर आप मेरा चैनल अभी देख सकते हो और 1 लाख सब्सक्राइबर सर मैंने 20 या 15 दिन में कुछ ऐसे कंप्लीट कर लिया। अरे भैया मतलब क्या बताएं, 15 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर, यहाँ भैया 2 साल से लगे हैं, अभी हमारे 40,000 नहीं हुए, आप 15 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अच्छा ये बताइए, पहला वीडियो आपका कौन से नंबर का ग्रीन स्क्रीन वीडियो वायरल हुआ था? पहला था सर मेरा कुछ टॉपिक जो है वीडियो का सर वो अलग है, सब लोग वीडियो बनाते हैं ग्रीन स्क्रीन का सर, वो कुछ बोलेंगे कुछ और वीडियो में कुछ और रहता है या फिर उनका वॉइस सही नहीं रहता, ऐसा है ना सर, ग्रीन स्क्रीन का मतलब है कि आप वीडियो में अपना वैल्यू कितना ऐड करते हो, ऐसा है, और अगर सही से वैल्यू ऐड कर देते हो तो सर आपका हर एक वीडियो वायरल होगा, और मैंने जैसे ही ग्रीन स्क्रीन वीडियो 5 दिन लगातार डाला तो मेरा हर एक वीडियो सर एक के बाद एक वायरल होने लगा। बिल्कुल सर बहुत बढ़िया लगा। भैया जानकारी के लिए सभी को बता देते हैं कि भैया की पहली पेमेंट आने वाली है और पहली पेमेंट ही लगभग $242 के इर्द-गिर्द आएगी, तो भैया ने मौके पे चौका मारा और बिल्कुल विधिवत तरीके से काम किया। अच्छा ये बताइए आप कि आप किस प्रकार के वीडियो पे ज्यादा ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हैं? सर मेरा जो एक सीसीटीवी का फुटेज वाला एक चैनल है सर, वो प्रॉपर वही सब चीजें दिखाता है जो ह्यूमैनिटी से इंसानियत से रिलेटेड चीजें होता है, अवेयरनेस के लिए होता है, और उसमें सर वो लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक दे के चलाते हैं, तो मैंने सोचा सर कि इसमें ये लोग म्यूजिक से इतना कुछ समझा रहे हैं, अगर मैं कुछ इसमें अपना साउंड से लोगों को कुछ समझाना चाहूँ तो अच्छा होगा और मुझे हेल्प होगा चैनल को ग्रो करने के लिए। बिल्कुल सर। सर ये बताइए, मैंने आपके वीडियो बहुत सारे देखे हैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो और लॉन्ग वीडियो भी आपका देखता रहता हूँ, आप ये बताइए अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो पे आप अपनी आवाज बहुत तेज कर देते हैं और बैकग्राउंड पे जो वीडियो की आवाज होती है वो बहुत धीमे हो जाती है, जबकि ऐसा कोई हमको ऑप्शन मिलता नहीं है जहाँ से हम अपनी आवाज तेज कर सके पीछे की आवाज धीमी कर सके, ये कैसे आप करते हैं? सर ये क्वेश्चन सर मेरे चैनल पे भी बहुत लोग पूछते हैं और आपने भी पूछा है, तो चलिए आज मैं बता देता हूँ सर, मेरा सीक्रेट ही यही है सर कि आप देख सकते हो मैं ऐसे पूरा खुले में बनाता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे कोई नहीं है सर, ओपन माइंडेड होके मैं पूरा चिल्ला के इधर वीडियो बनाता हूँ सर, इधर पे खेत पे कुछ लोग काम करते हैं वो लोग बोलते हैं कि इसका, मेरे पापा को जाके बोलते हैं इसका लड़का पागल हो गया है, अपने आप में चिल्लाते रहता है, मैं चिल्ला के बोलता हूँ सर, जिसके कारण मेरा आवाज जो है लाउड और क्लियर आता है। अच्छा तो मतलब ये आपने जो सीक्रेट बताया ये हमारी ऑडियंस को पता चलेगा, क्योंकि मैं भी ये चीज सोच रहा था कि ऐसा कोई ऑप्शन तो मिला नहीं इसमें जिसमें बैकग्राउंड की आवाज धीमी कर सके, तो भैया आपकी जो आवाज रहती है ना वीडियो की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और बैकग्राउंड की आवाज बिल्कुल थोड़ा धीमे आती है ना, तो बहुत ही प्यारा वीडियो लगता है देखने में। अच्छा ये बताइए कि आपके चैनल की जो ग्रोथ है वो तो बहुत तेजी से हुई है, क्योंकि मैंने आपका देखा है YT2 आपने भेजा स्क्रीनशॉट कि भैया लास्ट 28 डेज में आपके लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर बढ़े, ये अपने में बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है इंडिया का नंबर वन आपका चैनल हो गया ग्रीन स्क्रीन वीडियो पे जो कि इतना तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ा है। आप ये बताइए इतना प्रॉपर आपको जानकारी कैसे मिल गई
क्योंकि ग्रीन स्किन के विषय में तो कोई बड़े यूट्यूबर बात नहीं कर रहे ज्यादा। इतनी प्रॉपर जानकारी ग्रीन स्किन के बारे में आपको कहाँ से मिली ताकि आप इतने क्लियरिटी से वीडियो बना पा रहे हैं और आपका चैनल मोनेटाइज। देखिए सर, ग्रीन स्क्रीन के बारे में जानकारी तो आप लोग ही ऐसे वीडियो डालते रहते हैं सर, आपका तो चैनल पे ज्यादातर ग्रीन स्क्रीन वीडियो का इंटरव्यू वगैरह है, तो हर एक वीडियो से सर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। और बात रहा मेरा कि YouTube के बारे में सर, तो YouTube मैं आज से 6 साल पहले से कर रहा हूँ। बात वो है कि मैंने पहले दूसरे कैटेगरी पे काम किया था, तो YouTube के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जब से ग्रीन स्क्रीन आया सर तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिला और फिर मैंने किया सर। तो जब आप अपना चैनल को मोनेटाइज कर रहे थे उस समय आपको डर नहीं लगा कि रियूज कंटेंट वगैरह कहीं ना आ जाए? डर तो लगा सर, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि कंटेंट देखिए सर हमारा है नहीं, हम उसमें सिर्फ अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तो डर तो थोड़ा लगता है। और ऐसा यूट्यूब ने भी कोई ऑफिशियल दिया नहीं है कि आप इसको यूज करोगे तो सामने वाला आपको स्ट्राइक नहीं देगा या रियूज नहीं देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो डर तो लगा सर। बट ऐसा है ना कि अगर आप जेन्युइन काम करते हो तो यूट्यूब भी आपके काम को समझता है और फिर वो बिना कुछ किए सर आपको सफलता देता है। अच्छा सर, ये कह रहे हैं बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, उनके चैनल पे स्ट्राइक वगैरह दी गई है, जिनके वीडियो पे वो ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रहे हैं उन्होंने उनको स्ट्राइक दी। अगर आपके पास ऐसा कुछ आएगा आप इससे कैसे बचेंगे, मतलब कुछ बचने का तरीका आपने सोचा है? बचने का तरीका एक ही है सर, कि हम उससे बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उससे कॉन्टेक्ट बना के रख सकते हैं, और ज्यादा कुछ है नहीं सर। लेकिन एक तरीका जो मैं अभी तक अपनाते आया हूँ सर, कि उससे तो मेरे को अभी तक स्ट्राइक नहीं आया और मुझे लगता नहीं है कि आएगा सर, क्योंकि देखिए अगर मैं आपकी वीडियो को ही मैं यूज करता हूँ और उससे मैं पैसे कमा रहा हूँ तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा सर, क्योंकि मैंने तो आपका चीज यूज कर लिया ना, आपको कुछ फायदा दिया नहीं, इसलिए प्रॉब्लम होगा। और मैं जो करता हूँ सर, मैं करता हूँ क्या हूँ कि वीडियो में जो मैं बोलता हूँ मैं बोल के भी बताता हूँ कि अगर मेरे इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो आप उसके चैनल पे जाओ, मैं खुलेआम अपने मुंह से बोलता हूँ, वीडियो में लिख के देता हूँ कि आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल का वीडियो है, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करता हूँ उसकी आईडी को, ये पूरी चीजें क्रेडिट के नाम पे मैं भर भर के उनको चीजें देता हूँ, तो शायद सर वो थोड़ा संतुष्ट होते होंगे कि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है सर, लेकिन मेरा चैनल थोड़ा प्रमोट हो ही रहा है, ऐसा लगता है उनको सर। बिल्कुल सर, ये बात तो आपने बहुत बड़ी बोल दी कि भाई जिसका भी वीडियो आप उठा रहे हैं कहीं ना कहीं उसको अगर आप क्रेडिट दे रहे हैं तो सामने वाला बंदा भी सोचता है चलो यार बंदा कुछ भी हो व्यूज ला रहा है लेकिन हमको क्रेडिट दे रहा है, तो फिर वो स्ट्राइक देने से पहले 100 बार सोचेगा, है ना भैया? हाँ सोचेगा सर। और मैंने मेंशन करके रखा है सर अपने अबाउट सेक्शन में कि अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पहले स्ट्राइक देने से मेरे को कॉन्टेक्ट करो, अगर उससे भी ज्यादा नहीं बनता है तो मैं आपका कॉन्टेंट डिलीट कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घूम फिरा के पूरी तरीके से आपने सेफ्टी को बनाते हुए अपने चैनल पे काम किया है ना, और ये मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका है यूट्यूब पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाने का, क्योंकि आप इतनी तेजी से जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है वो मतलब आज पूरे इंडिया में लोग इस बात को देख करके बहुत ज्यादा, मैं सच बताऊं मेरे पास इतने सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आपके चैनल का इंटरव्यू लिया जाए, आपके चैनल का इंटरव्यू लिया जाए, मुझे भैया आपको ढूंढना पड़ा, समझ रहे हैं? मैंने आपके चैनल को सर्च किया, ढूंढा, उसके बाद आपको अपनी ओर से आपने देखा होगा मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था पहले से। हाँ सर मैसेज किया था, बट उस टाइम पे क्या है सर, पहले मैं माफी चाहूंगा सर कि मैंने जिन लोगों को गुरु माना है उनको मैंने रिप्लाई देने में देरी किया, लेकिन सर ऐसा है कि मैं उस टाइम पे प्रॉपर यूट्यूब पे ही लगा था, इंस्टा जितने भी चीजें सोशल मीडिया मैंने सबको बंद करके रखा था और यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से भिड़ा था, और वही नतीजा है सर कि आज आप मैं आपके चैनल पे आया हूँ सर। मैंने बहुत अच्छा लगा भैया कि कम से कम एटलीस्ट आपने कुछ करके दिखाया, हमें भी गर्व हो रहा है, आपने बोला कि आपकी वीडियो सर हम देखते हैं तो मतलब हमें भी गर्व हो रहा है कि चलो हमारी वीडियो से कुछ तो लोगों को सीखने को मिल रहा है ना, और आज आपने खुलकर हमारी ऑडियंस को चीजें बताई उससे भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं ये ज्यादातर ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हैं और ये भैया गलत तरीके से बनाते हैं, उसके बाद फिर इनके चैनल पर रियूज कॉन्टेंट आ जाता है। हमारी ऑडियंस को थोड़ा सेफ्टी चीजें बताइए ताकि इनके चैनल पे रियूज कॉन्टेंट ना आए, मतलब जो भी आप चीजें करते हैं जिससे कि आप रियूज कॉन्टेंट से बचे हैं वो सारी चीजें हमारी ऑडियंस को बताइए ताकि ये उससे बच सके। तो सेफ्टी के लिए तो सर मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रॉपर पहले 2-4 चैनल वो ऐसा सिलेक्ट करके रख ले जिससे कि उनका कंटेंट एक कैटेगरी में बन जाए, और उनका चैनल को भी मेंशन करके रखे अपने अबाउट सेक्शन में, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करे, उनको अपने वीडियो में क्रेडिट दे, जैसे मैं टेक्स्ट में लिख के देता हूँ, वॉइस में अपनी आवाज डालता हूँ तो अपनी आवाज से बोलता हूँ कि आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हो। और बहुत लोग होते हैं सर कि बच्चों के कंटेंट पे, जैसे एक बहुत बड़ा चैनल है सर आप लोग जानते होंगे, वो लोग उनको क्रेडिट नहीं देते हैं, उनको बोल नहीं सकते कि आप इनके चैनल पे जाओ क्योंकि उनका ही वीडियो प्रॉपर ये शॉर्ट तरीके से यूज कर रहे हैं, तो बोल नहीं सकते, लेकिन वो मेंशन करके रखे हैं सर।
कि आप अति करने कॉपीराइट देने से पहले आप संपर्क करें, तो ऐसा कुछ वो करके रखा है। तो क्रेडिट पहला आता है सर, ग्रीन स्क्रीन वीडियो अगर जो भी बना रहा है तो क्रेडिट फर्स्ट आता है सर उनको देना, और अपने तरफ से ये डिक्लेयर करना कि हाँ मैं आपका ग्रीन स्क्रीन बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई चोरी करके 2 मिनट का यूज कर रहा हूँ। जो ऑप्शन दिया है यूट्यूब ने, मैं उनके फीचर से लीगल होके मैं यूट्यूब के तरीके से काम कर रहा हूँ, ऐसा करना चाहिए सबको सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर ये बताइए, जो भी लोग ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रहे हैं, जो रिएक्शन देते हैं, उनका वीडियो कितना परसेंट में उनके स्क्रीन पर होना चाहिए आपके हिसाब से? वीडियो तो सर आप भी इतना बता रहे हो सर, आप मेरे से पूछ रहे हो, तो मैं बता देता हूँ कि जितना आपने खुद बता के रखा है वीडियो में 20-25%, 30% तक रहना चाहिए। और ऐसा ही कि सर बहुत लोग करते हैं कि मैंने एक प्रॉपर वीडियो अभी आज डालूंगा सर, उसके लिए ऐसा है कि सर पूरा कई लोग क्या करते हैं ना, अपना फेस सही नहीं दिखाते हैं सर। अगर आप दूसरे का कंटेंट यूज कर रहे हैं तो आप खुद से तो उसमें पहले सही रह लो। बहुत लोग करते क्या सर, अपना कैमरा जो है नीचे करके वीडियो बना लेते हैं, उसका फेस ऐसे ऊपर से दिखता है, वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है सर। बिल्कुल 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 सर। सर मैंने आपकी वीडियो देखी, बहुत परफेक्शन से आप काम करते हैं अपने ग्रीन स्क्रीन चैनल पे। करना पड़ता है सर, अगर आपको पैसा कोई देगा तो ऐसा फ्री का नहीं देगा सर, आपको काम में थोड़ा मेहनत और क्लियरिटी दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा एक चीज और हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि आप जो अपने वीडियो को अपलोड करते हैं तो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन ये सब कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन, देखिए सर ये तीनों चीज ऐसा है सर कि आपको क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी जो है अपने दिमाग से बनाना पड़ेगा। अगर आप सामने वाले का यूज कर लेते हो, कॉपी पेस्ट कर लेते हो, तो वो चीजें सर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि उससे ना क्या होगा कि वो चीजें जो बना रहे उसने तो खुद वो चीजें करके डाला है, अगर आप वही चीजें करोगे तो उसमें आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हो सकता है सर कि उसने जो टाइटल डाला है उससे उसके हिसाब से उसपे उसके वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आया है, आपने कुछ ऐसा क्रिएटिविटी लगाया और टाइटल में कुछ ऐसा डाला जिससे भाई आपका वीडियो 10 मिलियन तक जा सकता है। हो सकता है सर, मैंने एक वीडियो बनाया सर अपने चैनल पे, उसमें जो उसका ओरिजिनल वीडियो का व्यूज है कुछ 2 या 3 मिलियन है सर, और मैंने अपने चैनल पे वही वीडियो को डाला है सर, वो 14 से 15 मिलियन अभी व्यूज होने वाला है। मतलब कहने का ये कि वीडियो की क्रिएटिविटी के साथ में टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन की भी क्रिएटिविटी जरूरी है ना सर? जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया लगा भैया, आपने खुलकर हमारी ऑडियंस को सब कुछ बताया। बाकी एंड ऑफ द वीडियो हमारी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज? मैं यही कहना चाहूंगा कि ग्रीन स्क्रीन जो है भाई सबको एक अपॉर्चुनिटी मिला है यूट्यूब के तरीके से, तो आप लोग जो है बिना किसी पे ध्यान दिए कि हाँ रियूज कंटेंट आ जाएगा या फिर मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, पूरा उस पे ध्यान देके बनाओ, और एक दिन में कम से कम तो मैं बोलूंगा कि 7-8 वीडियो आप लोग अपलोड करो, क्योंकि आपके चैनल पे वीडियो रहेगा तो वायरल होगा। मेरे चैनल पे भी सभी लोग कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो वायरल कैसे होता है, तो भाई यही है, आपको उस पे कम है पूरा लगातार काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन एक वीडियो डाल दिए, दूसरे दिन वो भी वीडियो नहीं आया, तीसरे दिन 10 वीडियो डाल दिए, ऐसा नहीं है सर। रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी वहाँ पे, तभी आप ग्रो कर सकते हो। और ग्रीन स्क्रीन तो एक ऐसा वरदान दे दिया है यूट्यूब ने, मैं तो यूट्यूब को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि 6 साल से मैं जो नहीं कर पाया सर वो 1 महीने में मैं कैसे कर लिया, ये थोड़ा मेरे को भी आश्चर्य हो रहा है, ये ग्रीन स्क्रीन का ही कमाल है सर। आपने बिल्कुल फ्रेश नया चैनल बनाया था या फिर पुराने चैनल पे ही काम करना चालू कर दिया? ऐसा पूरा एकदम फ्रेश तो नहीं था सर, 3-4 महीने पहले बनाया था और 3-4 महीने बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया लगा भैया, आपने खुलकर हमारी ऑडियंस को सब कुछ बताया, और आज का ये इंटरव्यू हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा चैनल जो कि ग्रीन स्किन चैनल है और इतनी तेज फास्ट ग्रो होने वाला चैनल ने अपनी सारी सीक्रेट को रिवील कर दिया। और भैया ये जो ग्रीन स्किन बनाते हैं, अगर इनके थोड़ी बुद्धि होगी तो ये सीखेंगे, समझेंगे और आपके तरीके काम करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो भैया आप बताइए करना क्या है इनको। वीडियो पसंद आया तो पहले ऑब्वियसली है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर बहुत लोग नए हैं, ग्रीन स्क्रीन बनाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो सर के चैनल पे ही आप लोगों को सटीक जानकारी मिल सकती है, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और जो भी आपके दोस्त लोग बना रहे हैं उनको शेयर कर दो। और भैया के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए भैया को देखिए जाके कैसे काम कर रहा है, भैया को चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूं उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। भैया जय हिंदुस्तान बोल दीजिए आप भी। जय हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान।